दोस्तों नमस्कार। आज हम बनाने वाले हैं घर के चावल और घर के दूध की शानदार खीर की रेसिपी। आप भी खीर का आनंद लें। एनी कैलाश ब्लॉग यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ। दोस्तों आज मैं बनाने वाला हूँ घर के दूध और घर के चावलों की शानदार खीर की रेसिपी। दोस्तों आप जरूर देखें वीडियो, आप वीडियो देख के अपने घर में जरूर बनाएं। आज बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छे तरीके से बहुत शानदार खीर बनाने वाला हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज बनाएंगे बहुत अच्छी खीर, चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज पहाड़ी चावलों की हम शानदार खीर की रेसिपी बनाने वाले हैं। खीर बनाने के लिए दोस्तों हमने 7 से 8 ये बादाम काट के रख लिए हैं और 8 से 10 काजू बारीक तोड़ के रख लिए हैं दोस्तों, और ऐसी 10 से 15 किशमिश, ये बड़े वाले किशमिश हैं देख सकते हैं आप। और दोस्तों ये है चिरौंजी, ये चिरौंजी रखी हुई है हमने, देख सकते हैं अच्छी बनती है खीर इससे। और दोस्तों हमने ये चावल भिगा के रखे हैं, चावल कम रखे हैं दोस्तों, ये पहले भिगा के रखे हैं हमने, देख सकते हैं आप घर के चावल हैं ये। और दोस्तों हमने ये देख सकते हैं 2 लीटर दूध है, ये दूध हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम दोस्तों चावलों को, ऐड कर देंगे दूध में। दोस्तों चावल हमने ऐड कर दिए हैं, अब ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब डाल देंगे इसमें। 2 लीटर की खीर बना रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ दोस्तों, 2 से 3 आदमी के लिए बना रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। और दोस्तों चिरौंजी है, चिरौंजी भी ऐड कर देंगे इसमें। अब दोस्तों इसको चला देंगे गैस के मीडियम फ्लेम में, इसको पकाएंगे दोस्तों 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे इसको, और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। आज बहुत घर के चावलों की बहुत शानदार खीर की रेसिपी बनने वाली है। तो दोस्तों देखिए हमारे खीर बन रही है, इसके मीडियम फ्लेम में पका रहे हैं दोस्तों, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और पकाएंगे हम इसको काफ़ी देर तक पकाएंगे। खीर को जितनी देर पकाओगे दोस्तों उतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। खीर हमारी पक रही है, अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 छोटी इलायची के दाने, ये तोड़ लिए हमने, इससे स्वाद आएगा दोस्तों। दोस्तों कभी भी खीर बनाएंगे तो चावल आप बहुत कम रखना, क्योंकि खीर को ज़्यादा पकाना पड़ता है, इसलिए चावल हमने इसमें 100 ग्राम चावल ही रखे हैं 2 किलो दूध में। हम इसको लंबी देर तक पकाते रहेंगे जितना। तो दोस्तों देख सकते हैं खीर हमारी बन चुकी है खीर, अभी इसको हमने 30 से 40 मिनट तक पका लिया है गैस के मीडियम फ्लेम में, 30 से 40 मिनट तक पका लिया है मीडियम फ्लेम में। ये देखिए दोस्तों अच्छी तरह से पक चुकी है, बिल्कुल मेवा बन चुकी है खीर की, ये देखिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी, ऐड करेंगे 50 से 100 ग्राम तक चीनी ऐड कर देंगे इसमें। दोस्तों आप कम मांगी जितना भी खाते हैं अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैं इसमें कम डाल रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ चीनी दोस्तों। अब इसको दोस्तों 5 मिनट तक और चला लेंगे हम, खीर हमारी फाइनली बन चुकी है, ये चीनी गलने तक 5 मिनट तक और पकाएंगे इसको, उसके बाद गरम गरम सर्व करेंगे दोस्तों। खीर बन चुकी है दोस्तों, खीर में थोड़ा समय चाहिए होता है तो लंबे समय तक पकाना पड़ता है इसको मीडियम फ्लेम में। आप बहुत शानदार खीर बनी है दोस्तों, आप भी अपने घर में जरूर बनाएं, वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों खीर हमारी बन चुकी है, अब इसे हम गरम गरम सर्व करेंगे, देख सकते हैं दोस्तों गरम गरम सर्व कर रहे हैं, बहुत शानदार खीर बन चुकी है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों। अब और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।